नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एस आर एग्रो व्लॉग्स में। खेती बाड़ी की नई नई तकनीक जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल एस आर एग्रो व्लॉग्स को। तो किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे अमीजा स्मित के बारे में, जो स्मित एंड स्मित कंपनी का आता है अमीजा थाइपर 10% SL। तो बात करते हैं कि ये मुख्य रूप से किन किन फसलों में काम आने वाला प्रोडक्ट है। देखिए, ये किसान भाइयों सोयाबीन, मूंगफली, मूंग, उड़द, मेथी में इसका इस्तेमाल करना है। अब बात करते हैं कि ये किस किस खरपतवार को ख़त्म करेगा। तो किसान भाइयों देखिए, ये बोखना बोखनी को कुछ हद तक ही ख़त्म करेगा, यानी कि इन पर इसका कम नियंत्रण है। बोखना बोखनी को पीला पटक देगा, यानी कि उसकी चाल को रोक देगा, लेकिन पुनः रूप से नष्ट नहीं कर पाएगा। किंतु ये सावा, कजरू, लुआ, सुआ, जंगली घास, घोड़ामोथ और बेरा घास, इन पर इसका अच्छा नियंत्रण है। और किसान भाइयों, ज़मीन में नमी अच्छी होनी चाहिए, वरना कोई भी प्रोडक्ट हो वो कार्य नहीं करेगा। इस प्रोडक्ट के अंदर 3 पैकेट आते हैं, जिसमें 750 मिली अमीजा स्मित, 750 ग्राम एम्बूस्ट और 562 मिली अमीजा स्प्रेड आता है। और किसान भाइयों, इन तीनों प्रोडक्ट को अच्छी तरह से पानी के अंदर घोल कर, और घोलने की विधि किसान भाइयों इस प्रोडक्ट के ऊपर दी हुई है। आप देख सकते हैं कि पहले पानी के अंदर ये प्रोडक्ट घोलना है, फिर 2 नंबर पे ये प्रोडक्ट घोलना है, फिर 3 नंबर पे ये प्रोडक्ट घोलना है। ये देखो, आपको इसके अंदर दिया हुआ है, ये देख सकते हो आप, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। इसी प्रकार से आप इसको घोलें। और हम बात करें तो ये एक पैकेट 4 बीघा का है, जो आप 400 लीटर पानी के अंदर इसे डाल के और 4 बीघा के अंदर इसकी आप स्प्रे कर दें। और किसान भाइयों, आगे भी खेतीबाड़ी की नई नई तकनीक जानने के लिए हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नई जानकारी आपको मिल सके। धन्यवाद।